एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक पद्धति। ये वाई एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। जो ये एक्स अक्ष होता है उसको बोलते हैं भुज, जो वाई एक्स होता है उसको बोलते हैं कोटि, और ये दे रखा है हमें मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 और 0। इसमें एक्स अक्ष और वाई एक्स के द्वारा 4 चतुर्थांश बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पहले चतुर्थांश में देखो एक्स अक्ष प्लस का है, वाई एक्स प्लस का है, तो ये निर्देशांक हो गए प्लस और प्लस, यानी इसमें जो निर्देशांक आएंगे वो प्लस और प्लस के आएंगे। इसमें एक्स अक्ष माइनस का है, वाई एक्स प्लस का है, तो इसमें निर्देशांक आएंगे माइनस और प्लस। इसमें एक्स अक्ष भी माइनस का है और वाई एक्स भी माइनस का है, तो निर्देशांक आएंगे माइनस और माइनस। इसमें एक्स एक्स प्लस का है, वाई एक्स माइनस का है, इसलिए निर्देशांक आएंगे प्लस और माइनस। ठीक है, एक्स एक्स के ऊपर अगर हम कोई भी संख्या ले रहे हैं वाई की, तो वाई का मान हमेशा क्या होगा 0, और वाई एक्स एक्स के ऊपर एक्स की कोई भी संख्या ले रहे हैं, कोई भी मान ले रहे हैं, वो मान हमेशा क्या होगा एक्स बराबर 0, यानी उल्टा काम है, एक्स एक्स पे वाई बराबर 0, वाई एक्स पर एक्स बराबर 0। रैखिक बहुपद, नाम से स्पष्ट है कि रैखिक का मतलब घात एक हो, जिसमें चर की घात एक हो। चर का मतलब ए बी सी डी का कोई भी अक्षर आ जाए, ज्यादातर अक्ष आता है वाई आता है, जेड आता है, टी आता है, यू आता है, वी आता है, डब्ल्यू आता है। अब जैसे ये है, इसमें अक्ष की घात क्या है, नहीं लिखी हुई, इसका मतलब अक्ष की घात क्या है, एक है, इसका मतलब रैखिक हो गया। इसमें भी अक्ष की घात क्या है, एक है। इसमें वाई की घात क्या है, एक है। इसमें टी की घात एक है, इसका मतलब ये सारे क्या है, रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद, द्वि का मतलब दो, घात का मतलब घात, ऐसा बहुपद जिसमें दो घात हो, जैसे ये दे रखा है हमें 2x² 3x-4, तो अक्ष की घात एक भी है, अक्ष की घात दो भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा घात दो है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। इसमें वाई की घात दो, इसका मतलब ये भी द्विघात बहुपद है। इसमें भी टी की ज्यादा से ज्यादा घात दो, इसका मतलब ये भी द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को, यानी इन सभी को मिलाकर द्विघात बहुपद को इस रूप में व्यक्त करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए बी सी के मान चेंज करते जाओ, ये सारे बहुपद, जितने भी द्विघात बहुपद है वो सारे आ जाएंगे। उसके आगे त्रिघात बहुपद, नाम से पता है त्रि का मतलब तीन, घात का मतलब घात, ऐसा बहुपद जिसमें तीन घात हो, जिसमें घात तीन हो, जैसे एक्स क्यूब माइनस का 2x² प्लस का 7x-1। ज्यादा से ज्यादा अक्ष की घात कितनी है, 3, यानी ये त्रिघात हो गया। इसमें भी अक्ष की घात कितनी है, 3, यानी ये भी त्रिघात हो गया। वह की घात कितनी है, 3, यानी ये भी त्रिघात हो गया। अब आगे है त्रिघात बहुपद, यानी इन सभी को मिलाकर त्रिघात बहुपद का रूप ये है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। गुणांक का मतलब ये होता है, जैसे ये द्विघात बहुपद है तो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे ए, ये इसका गुणांक हो गया, एक्स के आगे बी, ये एक्स का गुणांक हो गया, और अचर पद सी, ये अचर गुणांक हो गया। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा ए देखना है, एक्स का गुणांक हमेशा बी मानना है, जो लास्ट में बचा हुआ है वो अचर राशि होती है उसे सी मानना है। द्विघात बहुपद में अक्ष की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी होती है, 2, इसका मतलब इसके 2 उत्तर आएंगे। उत्तर का मतलब हम शून्य भी पढ़ सकते हैं, हल भी पढ़ सकते हैं, मूल भी पढ़ सकते हैं, यानी प्रश्न में दे सकता है कि इसके शून्य ज्ञात करो, इसके हल ज्ञात करो, इसके मूल ज्ञात करो, या इसके उत्तर ज्ञात करो, तो सभी का मतलब एक ही है। अब हमें पता चल गया कि 2 उत्तर है, लेकिन कौन से 2 उत्तर है वो हमें पता नहीं है, तो हमने 2 मूल क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या है, यानी मूलों का योग का सूत्र क्या है, -b/a, और मूलों का गुणनफल का सूत्र है, यानी अल्फा गुणा बीटा का सूत्र क्या है, c/a। उसके बाद ये तो 2 सूत्र हो गए, इसके आगे है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में अक्ष की घात कितनी होती है, 3 होती है, और इसके कितने मूल होंगे, ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 3 है, इसका मतलब इसके 3 उत्तर होंगे। वो उत्तर हमने मान लिए अल्फा बीटा गामा, ये गामा का चिन्ह है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी मूलों का योग का सूत्र
माइनस बी बटा ए, त्रिघात बहुपद के लिए पढ़ रहे हैं। अल्फा गुणा बीटा, बीटा गुणा गामा, गामा गुणा अल्फा, यानी दो दो को गुणा करके फिर जोड़ा हमने। लिखा भी है मैंने कि मूलों का गुणा है लेकिन दो दो का है, ये होता है सी बटा ए। फिर अल्फा गुणा बीटा यानी तीनों को गुणा कर दिया, तो मूलों का गुणा यानी सभी का, ये होता है माइनस डी बटा ए। द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं, पहली है श्रीधराचार्य सूत्र या गुणनखंड विधि। तो श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए, जहाँ कोई भी निशान है, जैसे फोर ए सी का मतलब क्या है, गुणा करना है हमें, चार गुणा ए गुणा सी, नीचे भी दो गुणा ए, जहाँ कोई निशान नहीं हो वहाँ गुणा का निशान होता है। अब कुछ सूत्र जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़े, ए प्लस बी का होली स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, दो ए बी का मतलब दो गुणा ए गुणा बी, ए माइनस बी का होली स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी की होल पावर तीन क्यूब का सूत्र, ए क्यूब प्लस तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी की होल पावर तीन का सूत्र, ए क्यूब माइनस तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, यानी द्विघात जो समीकरण है उसका श्रीधराचार्य सूत्र भी है और उसकी गुणनखंड विधि भी है। निम्न द्विघात बहुपद, जैसे पहला एक प्रश्न करें 2.2 का, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि हमें शून्य ज्ञात करना है, यानी उत्तर ज्ञात करना है, उत्तर ज्ञात करेंगे, उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, तो जांच भी करेंगे। जब तक हमें प्रश्न इतना ही दिया हुआ कि शून्य ज्ञात करना है, तब हमें संबंध की जांच नहीं करनी है, लेकिन संबंध की जांच का लिखा हुआ है तो संबंध की जांच भी करनी है। जैसे ये हमें दिया हुआ बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स माइनस का आठ, सबसे पहले हमने बनाया समीकरण यानी बराबर जीरो लिखा, क्योंकि समीकरण के बिना कभी उत्तर नहीं आता। इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक का क्या है, मान है एक, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक, ए का मान एक, एक्स का गुणांक चिन्ह सहित माइनस दो, लास्ट में जो बचा हुआ वो सी का मान यानी माइनस का आठ। हमने लिखा श्रीधराचार्य सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए, ये तो अक्ष का अक्ष आ गया, बराबर का निशान, माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, बी की जगह हमने क्या रखा कोष्टक में माइनस का दो, क्योंकि माइनस का दो है। फिर लगाया हमने रूट, बी की जगह हमने माइनस का दो रखा, ऊपर घात दो है तो दो, फिर चार कोई निशान नहीं है तो गुणा, ए का मान एक सी का मान माइनस आठ बटा दो गुणा एक, सभी मान रखती है आराम से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस दो का वर्ग हमने साइड में करके देखा, माइनस दो गुणा माइनस दो, तो माइनस माइनस प्लस, दो को दो से गुणा किया चार, ये माइनस माइनस प्लस, चार को आठ से गुणा किया बत्तीस, और बत्तीस को एक से गुणा करने पर वापस बत्तीस, दो को एक से गुणा किया दो, बत्तीस में चार जोड़ा छत्तीस, छत्तीस का वर्गमूल क्या होता है छः। अगर नहीं आता इसके तो इसके गुणनखंड करके भी हम निकाल सकते हैं, जैसे जोड़े बनाकर भी निकाल सकते हैं, जैसे छत्तीस है, छत्तीस में दो का भाग लगाया अठारह बार, अठारह में दो का भाग लगाया नौ बार, नौ में तीन का भाग लगाया तीन बार, तीन में तीन का भाग एक बार, तो इसका जोड़ा बन गया तो दो ले लेंगे, इसका जोड़ा बन गया तो तीन ले लेंगे, दो को तीन से गुणा किया तो क्या आ गया वर्गमूल छः। या सीधा याद है तो छत्तीस का वर्गमूल छः और नीचे है दो। अब हमारे पास प्लस माइनस दोनों चिन्ह है, तो एक बार हम प्लस का निशान लेंगे, ये ले लिया प्लस का निशान, इसको मानेंगे अल्फा, एक बार ले लेंगे माइनस का निशान, इसको मानेंगे बीटा, ये दोनों चिन्ह मतलब दोनों संख्या प्लस की है, जोड़ना है हमें, तो आठ बटा दो यानी चार, इसमें माइनस का छः प्लस का दो है तो संख्या घटानी है, लेकिन माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस का चार आएगा बट्टा दो, भाग लगाने पर क्या आया माइनस का दो आया। अब सत्यता की जांच करेंगे, क्योंकि ये तो हमने शून्य के ज्ञात किए, मूल ज्ञात किए, हल ज्ञात किए। अब हम सत्यता की जांच के लिए पहला सूत्र लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा का मान अभी हमने चार निकाला था, बीटा का मान हमारे पास माइनस का दो है, बी का मान हमने जो शुरू में निकाला था माइनस का दो और आगे माइनस का चिन्ह है, ए का मान हमने शुरू में निकाला था जो हमें समीकरण दे रखी थी उससे एक रख लिया, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, चार में से दो घटाया दो, दो में एक का भाग लगाया दो, एक का भाग लगाने का मतलब कुछ भी नहीं होता तो दो आ गया, तो दो बराबर दो होता है हमें बताया, ये सत्य हो गया। अब अल्फा गुणा बीटा करेंगे यानी सी बटा ए, अल्फा का मान चार है, बीटा का मान माइनस का दो है,
सी का मान जो हमने पीछे रखा था वो -8, ए का मान 1 है, 4 को -2 से गुणा किया -8, -8 में 1 का भाग लगाया -8, तो ये सत्य हो गया। इसका मतलब प्रश्न कंप्लीट, क्योंकि प्रश्न में ये पूछा था शून्य की ज्ञात करो, तो शून्य ज्ञात की, फिर कहा सत्यता की जांच करो तो सत्यता की जांच कर ली। धन्यवाद।